सर, ओडिशा मेरी माँ है सर, और मेरी माँ के बारे में आज कुछ फेक न्यूज़ यहाँ पर बोला गया और इसी सदन में मेरे सामने, तो आपसे अनुमति चाहूँगा सर, 2 मिनट का ज़्यादा वक्त अगर दे तो मैं बोल पाऊँगा अपने दिल की बात सर। एक मिनट रुक सर, जाओ। कोशिश करूँगा जितनी जल्दी ख़त्म करूँ सर। सर, मैं हमारे सनातन धर्म के 4 धामों में से एक धाम से हूँ, पुरी धाम, जगन्नाथ धाम जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ अपनी बहन के बिना घर से बाहर नहीं निकलते। साल में एक बार जब वो अपने भक्तों को मिलने बाहर निकलते हैं और जाते हैं अपने मौसी के यहाँ सर, फिर मौसी के यहाँ से जब वापस आते हैं, घर के अंदर घुसने से पहले माता लक्ष्मी से उनको अनुमति लेना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है, फिर वो मंदिर में वापस जाते हैं। सो ये ऐसी मिट्टी है सर, ऐसी जगह है जहाँ पर माओं को, बहनों को, स्त्रियों को और विभिन्न जो महिलाएं जिन भी रूप में हो, सबको बहुत इज्जत और सम्मान से पेश करते हैं हम लोग सर, अपना इज्जत देते हैं। पर आज इसी सदन में सर, हमारे एक माननीय सदस्य जो ओडिशा से हैं, कुछ गलत तथ्य यहाँ पर रखे हैं, जिससे मुझे बहुत शर्म लग रहा है कि वो एक इतने जाने माने पढ़े लिखे इंसान होते हुए भी किस तरह से इस तरह का बात यहाँ पर कर पाए। जो कि पहली बात तो सर, बहुत छोटी सी बात यह है कि उनको ये समझ में आना चाहिए था कि ओडिशा का जो मैटर है, स्टेट मैटर, उसको यहाँ पर बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात है सर, वो यहाँ पर जिस बारे में बात कर रहे थे, महिलाओं के सम्मान के बारे में, महिलाओं के ऊपर जो विपत्ति है, जो क्राइम हो रहे अगेंस्ट विमेन, उसके बारे में वो बोली ओडिशा नंबर 3 में स्टैंड करता है। पर मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा सर, मुझे किसी सदस्य से यहां पे कोई कंप्लेन नहीं है, पर अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 में काउंट किया जाए तो शायद जो रिपोर्ट बता रहे हैं वो उत्तर प्रदेश है सर, और वहां पर उन्हीं की सरकार राज कर रही है। बाकी सर, ओडिशा के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक सर, 2001 में जब 2000 में जब वो अपने मुख्यमंत्री के पद में वो पहली बार अपने आसन में ग्रहण किया आसन को, तब सर एक ही साल के अंदर उन्होंने मिशन शक्ति करके एक मूवमेंट मूव किया, जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने सोचा, और उससे सर आज की तारीख में 70 लाख महिलाएं सर सशक्त हो चुकी हैं। उन्होंने सर ये कोविड के टाइम में, आप जानने से भी हैरान होंगे सर, 1174 SHG ग्रुप्स सर, 33 लाख मास्क बनाए, और कई हजार ग्रुप्स सर, 8.5 मिलियन लोगों को मील्स पहुंचाए सर, पके हुए खाने खुद की जिम्मेदारी से वो लोग बनाए। तो मैं उस राज्य से हूं सर, और आपके माध्यम से मैं इतना विनती करना चाहूंगा, जो आज की तारीख में सबसे बड़ा दुखद चीज है वो है फेक न्यूज, स्प्रेडिंग ऑफ फेक न्यूज, जो झूठे सर, खत्म कर रहा हूं सर, मैं सर झूठी खबरों को बाहर अफवाह की तरह फैलाकर युवाओं को जो मिसलीड करने का जो काम होता है, ये अगर हम सब कम से कम ना रोकें तो कोई और रोकेगा नहीं सर। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा माननीय सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, जो कि हमेशा महिलाओं को आगे देने के लिए एनकरेज करते हैं, पर सर उन्हीं की पार्टी के हमारे जो नेशनल स्पोक्सपर्सन है, उन्हीं के पार्टी के जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, उन्हीं की एक संस्था सर, एक माइनर लड़की को उन्होंने, उनके काफी सारे स्टाफ लोग उनको सर गैंग रेप करके उसको इतनी बुरी तरह से उन्होंने बेरहमी से उनको तड़पाया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ओडिशा राज्य में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मैं एक महिला हूं, ओडिशा राज्य मेरी कर्मभूमि है, और इसलिए मैं बहुत उद्विग्न हूं, परेशान हूं। ओडिशा राज्य की लोकसंख्या 4.5 करोड़ के आसपास है, इसका आधा हिस्सा महिलाएं हैं। आज आपके समक्ष मैं इस आधे हिस्से की सुरक्षा, उनकी मर्यादा रक्षा के विषय में बात करना चाहती हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2018 का रिपोर्ट हस्तगत हुआ है। NCRB के रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के प्रति जितने अपराध हो रहे हैं ओडिशा राज्य में, इसकी वजह से ओडिशा राज्य देश में तृतीय स्थान पर खड़ा है। प्रत्येक 1 लाख लोकसंख्या में करीबन 91.3 अपराध महिलाओं के प्रति ओडिशा राज्य में हो रहे हैं, और यह संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यह तथ्य NCRB के रिपोर्ट से मिला है। फॉर एवरी 1 लाख पॉपुलेशन वन हैज टू रिमेंबर दैट देयर आर 91.3 नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन ओडिशा। और इसके अलावा NCRB के रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगी कि सर, अपराध दंड का दर बहुत कम है,
8.3 है सर, तथ्य के आधार पर बात कर रही हूँ, तथ्य भित्तिक आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ सर। 88.3% डिसमल कन्विक्शन रेट इन ओडिशा। उसके अलावा सर मैं कुछ कहना चाहूँगी, जो बैलेंस ऑफ केसेस है, जो पेंडेंसी है केसेस का, ये सर 94.7% है ओडिशा में, 94.7% है, दूसरे राज्यों से बहुत ज़्यादा है सर। सर सबसे बड़ी बात है, एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार शेल्टर होम्स में, जो विमेन शेल्टर होम्स हैं उड़ीसा में, वहाँ पर लगातार महिलाओं के प्रति अपराध के वारदात बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी वजह से देश में उड़ीसा राज्य तृतीय स्थान पर है, ये एनसीआरबी के रिपोर्ट में लिखा हुआ है सर। सर कुछ दिन पहले, एक मिनट समय लूंगी सर, कुछ दिन पहले मलकानगिरी जिले में एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। वीर मित्रपुर में एक छोटी बालिका, नाबालिका के साथ सर दुष्कर्म हुआ। राज्य सरकार की तरफ से जिस तरह कठोर कदम उठाने जाने चाहिए थे, हुआ नहीं है सर। स्थिति बहुत गंभीर है, चिंताजनक है, दुखदायक है। मैं महिला हूँ सर, मैं अनुरोध करूँगी आपके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि ये राज्य सरकार से बातचीत करें और एक प्लान ऑफ एक्शन ले सर, जिसमें स्पेसिफिक टाइमलाइंस हो। ये अपराध, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, ये कम ना कम कम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेरा मो वीडियो देखी कौन पढ़ोच, हे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो जे, सब्सक्राइब न करले नुआ नुआ वीडियो केमती देखिबो। जदि आपण एजे आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे सब्सक्राइब करूँ आम चैनल सूरत ओडिया न्यूज, सूरत रे ओडियांकर स्वर।